So hey guys, today we are in our coaching center and today I am revealing my coaching center in which coaching institute in I am studying. So guys, basically good morning guys, this is 14th of August और 15 अगस्त का टाइम आ गया और मॉर्निंग में बज रहे हैं 9 और गाइज आज हमारी डाउट सेशन क्लास है और डाउट सेशन के अंदर हमारा VARC और बेसिकली क्वांट का सेक्शन है, अर्थमेटिक से हमने उठाया और मॉर्निंग में हमें क्या करना हो तो सबको पता है कि हमारा VA का हमारा VA बेसिकली RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और बेसिकली उसके अंदर हमारी दो एक्सरसाइजेज रह रही हैं। सो बेसिकली हम इसको 15 अगस्त तक डेडलाइन है, 15 अगस्त तक हम इसको ख़त्म करेंगे। सो गाइज इसके अंदर बेसिकली 5 पैसेजेज हैं और 5 पैसेजेज को हमें करना है कितने मिनट में, एक घंटे का हमारा टाइमर लगाएंगे और टाइमर लगा के ही करेंगे क्योंकि टाइमर लगा के ही हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। सो गाइज टाइमर लगाने के एक घंटे के बाद हमारा रिजल्ट जो रहा वो रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि हमारे 22 मार्क्स आए इसमें से। 22 मार्क्स कैसे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे 11 क्वेश्चन राइट थे और 11 क्वेश्चन रॉन्ग थे। सो बेसिकली 50% की एक्यूरेसी है जो कि पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद हमारा टाइम हो गया जिम जाने का और ये हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का झंडा, सब कुछ हमारे लिए। सो गाइज इसको हमारे लिए इसके जिम से जाने के बाद अब हम करेंगे क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, करना तो बहुत कुछ है क्योंकि क्वांट की भी हमारी डेडलाइन की 15th of August है। इसके अंदर हम करेंगे क्या करेंगे, अरिथमेटिक से हमने चैप्टर उठाया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद गाइज हम करेंगे एवरेज मिक्सर और एलिगेशन के बी पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट का भी बी पार्ट करेंगे हम। इसके बाद डिफिकल्ट लेवल वाला भी करेंगे और क्वांट को भी हम खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सो गाइज उसके बाद मैंने सोचा थंबनेल भी बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार भी हमें चाहिए और मिल रहा है जैसे कि। सो गाइज कैनवा जो है बेसिकली फ्री में थंबनेल यहाँ से बन जाते हैं और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपनी चीज़ कैसे मार्केट करके जरूरत की लोगों की नीड पूरी करके कैसे आपकी कंपनी $40 बिलियन बन सकती है जैसे कि कैनवा बन चुकी है। उसके बाद गाइज मैंने आपके चैनल के एनालिटिक्स में जाकर देखा कि आपके चैनल पे 45% जो व्यूअर्स हैं वो फीमेल के हैं, जो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आपके चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं, व्यूअरशिप जो है फीमेल्स की भी हैं। सो गाइज अब टाइम हो चुका है 11:10 जिम से आने के बाद हमने सोचा 2 केले और 1 एप्पल ऐड कर लेते हैं और क्योंकि 2 केले हम मॉर्निंग में पहले ऐड ले लेते हैं। सो गाइज आज का मेन टारगेट रहेगा कि DILR का ये वाला वर्कशॉप में सेट जो करना है वो हमें सेट पहले हो चुका है, इसको दोबारा करेंगे, रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्वेश्चंस वो हम डाउट सेशन में जाके उसको पूछ लेंगे क्योंकि आज का हमारा डाउट सेशन है। और अब गाइज टाइम हो चुका है 12 बज गए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सोचा थोड़ा सा काढ़ा पी लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे को कोचिंग के लिए निकलना है। सो गाइज कोचिंग जाते समय मैं क्या करता हूँ, बेसिकली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जो मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। सो गाइज न्यूज़पेपर से लेकर सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको डिस्कस करेंगे और गाइज साथ में मिलकर हम कैट का पेपर एग्जाम तरीके से प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा इसी चैनल पे। अब से निकल चुके हैं हम अपने कोचिंग के लिए और कोचिंग का टाइम जो था हमारा 2 बजे तक का था और आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और गाइज इसके बाद जो मेरी कोचिंग सेंटर है मूलचंद के अंदर बेसिकली है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं, मूलचंद कैलाश कॉलोनी मेट्रो से 400 मीटर की दूरी पर है। सो गाइज ये ऑप्टी मार्ट के ऊपर हमारी कोचिंग सेंटर, काफ़ी बड़ी कोचिंग सेंटर नहीं है बट जितनी भी है वैल्यूएबल है, अच्छी है, काफ़ी सही है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे को अच्छी लगी। सो गाइज अंदर से मेरे को वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी, इसके बाद मैं निकल चुका हूँ घर के लिए मेट्रो से क्यों निकला हूँ इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मेट्रो के अंदर गाइज मैं क्या करूँगा, आते टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा और न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ूँगा कि मैंने टेलीग्राम से यहाँ पे फ्री में आपको हिंदी न्यूज़पेपर कोई सा भी न्यूज़पेपर मिल जाता है। और अब टाइम ऐसा आ चुका कि हिंदी न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने एडिटोरियल पेज ढूंढ लेना है। एडिटोरियल पेज को आपको प्रॉपर तरीके से छान देना है, प्रॉपर तरीके से एडिटोरियल पेज को पढ़ लेना है जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी सही हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। सो गाइज उसके बाद मैं निकल चुका हूँ, बस पकड़ेंगे मूलचंद का और उससे पहले ये देखिए। सो गाइज घर पे मैंने देखा कि हमारी जो डाउट सेशन थी वो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ, अजम्पशन और कंक्लूजन की क्वांट की वो इंग्लिश की डाउट सेशन था और क्वांट के अंदर अरिथमेटिक सेक्शन से हमारा डाउट सेशन प्रॉपर तरीके से पूरा हो गया। सो गाइज अब बज रहे हैं रात के 8:37 और हमारा डिनर का टाइम हो चुका है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा और गाइज आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा भी रहा। सो गाइज हमारा सादा सा खाना रहता है, उबली हुई दाल विदाउट नमक विदाउट एनी मसाला, सिंपल सीधी सी दाल रहती है। सो गाइज इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना और ऐसी डाइट आपको देखनी है तो इसके लिए दूसरे चैनल पे आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ मैं इसी चीज़ों की वीडियो डालता हूँ। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।